भारत बाज ना आया। आजाद कश्मीर के चम सेक्टर में भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का करारा जवाब, दुश्मन की गने खामोश। फायरिंग का तबादला वक्फे वक्फे से चार घंटे तक जारी रहा। भारत को कोई भी मोहनजोई महंगी पड़ेगी, एलओसी हो या वर्किंग बाउंड्री, सरहदों के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका को टेंशन, दोनों ममालिक को पुरअमन रहने की अपील। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जमान मार्क टोनर का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान एटमी रियासत है, तमाम एटमी मुल्कों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून का साक कॉन्फ्रेंस के मनसूख होने पर इजहार अफसोस। पाक भारत कशीदगी के खात्मे पर जोर। अक्वामे मुत्तहिदा भारत को जारहाना और इश्ताल अंगेज इकदाम से रोके। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मरीहा लोधी की बान की मून से मुलाकात। कप्तान ने वजीर आजम को मुहर्रम तक की मोहलत दे दी। नवाज शरीफ खुद को एहतसाब के लिए पेश करे वरना एहतसाब बंद कर देंगे। इमरान खान का रायवन में बड़े जलसे से खिताब, कहा कि अब हुकूमत के खिलाफ कोई और जलसा नहीं होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ पनामा लीक में रंगे हाथों पकड़े गए। इमरान खान का कहना है पनामा पेपर सबूत है, मरियम नवाज के नाम पर ऑफशोर कंपनियां बनाई, लंदन में अरबों की जायदादें खरीदी। नवाज शरीफ का मसला दिल का नहीं पेट का है, उनका आखिरी वक्त आ गया। कप्तान की मोदी को भी ललकार, बोले मोदी सुन लो, पाकिस्तान में हर कोई नवाज शरीफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं, दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, मोदी ने मजबूर किया तो हिंदुस्तान का बहुत नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से 30 दिन तक इंतजार किया जाएगा कि वजीर आजम खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। चेयरम से पहले इस्लामाबाद बंद करने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में गैंगवार के दो कारिंदे हलाक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 60 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। शाहीनों ने काली आंधी को धूल चटा दी। पाकिस्तान के 49 ओवर्स में 284 रन, बाबर आजम के वनडे करियर की पहली सेंचुरी। वेस्टइंडीज सिर्फ 175 रन पर ढेर। पाकिस्तान भारत को पीछे धकेलते हुए सबसे ज्यादा वनडे जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। लाहौर में ब्राइडल वीक अपनी तमाम तरानाइयों के साथ खत्म हो गया। आखिरी रोज अदीद मलबूसात जेबर के मॉडल्स के रैंप पर चल रहे शो को चार चांद लगा दी।